अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ और जा रही हूँ कहीं। गेस करें कहाँ जा रही हूँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे आपको मेरी तैयारियाँ देख के तो पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये हैं हमारी टिकट्स जो बुक हो चुकी हैं। आज आपके साथ बस अपनी सारी प्रिपरेशन शेयर करूँगी। टिकट्स कन्फर्म हो जाए ना, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आप कहीं जा रहे हो, कन्फर्म जा रहे हो। उसके बाद आपकी एक्साइटमेंट का लेवल, आपकी प्रिपरेशंस समझ लें अरूज पकड़ लेती हैं। उसके बाद ही तैयारी करने का असली मज़ा आता है, चाहे प्लान आप काफ़ी देर के क्यों ना कर रहे हो। फिर हम लोग सारा कुछ वहाँ से वाइंड अप करके अपने घर से आगे बाजी के घर, और यहाँ पर ये फाख्ता है, शायद इसने इतने प्यारे अंडे दिए हुए थे, देखें इसके एग्स कितने प्यारे हैं। और इस बेचारी ने बाहर एक झाड़ू पड़ा हुआ था एसी के पीछे, उसके ऊपर ही अपना पिंजरा, ये पिंजरा नहीं, अपना घर बना लिया घोंसला अपना। और इसके ऊपर ये देखिए कितने क्यूट दो एग्स हैं, इतने ये प्यारे लग रहे थे। और माशाल्लाह वो इतनी समझदार है, अगर मैं बाहर गई हूँ वीडियो बना रही हूँ तो वो उड़ के एसी के ऊपर जाके बैठ गई, और जैसे ही मैं अंदर आई वो वापस अपने एग्स के पास आ गई। बाहर हम लोगों ने पानी और बाजरा रख दिया ताकि वो जब आए और खा ले, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी थी, एसी के पीछे तो यकीनन मज़ीद गर्मी होगी। लेकिन बेचारी ने वहीं पे ही अपने एग्स दिए और यहीं पे वो रहती है। खैर, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए, बेचारे परिंदों ने भी तो कहीं रहना होता है ना। फिर बाजी ने बनाया हमारे लिए चिकन, इतना मज़े का ये बना था ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सा, क्रंची क्रंची सा। ये बाजी ने नई रेसिपी देखी थी और हमारे लिए बनाया, बहुत मज़े का खाना। हम लोगों ने खाना खाने के बाद जाना था शॉपिंग के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने सही तरह मज़े से खाना खाया, साथ बहुत सी बातें की। ज़ाहिर है बाजी लोगों ने भी हमें मिस करना है, इकट्ठे जब आप एक जगह पर रहते हो तो एक रिलेशन और तरह का ही बन जाता है आपका, आपके नेबर्स से, आपके रिलेटिव से, फ्रेंड्स आपके, हर चीज़ आपको। मैं तो कहती हूँ जिस रूम में जिस जगह पे होते हो आपको वो भी अपनी अपनी सी लगने लग जाती है। मैं अक्सर आपसे ये बात करती हूँ कि हमें तो अपने बिस्तर से, अपने पिलो से भी प्यार हो जाता है। खैर, जाना तो पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, और हमारी जो लाइफ में फेस चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में तो भी ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग चल रही है। अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ करे, और भी लोग जो किसी भी मकसद के लिए मुल्कों से बाहर हैं, अपनी जगह से बाहर हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करें। शाम हो चुकी है, बस हम शाम का ही वेट कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं शॉपिंग से। यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गई बच्चों की कपड़े देखने। यहाँ पे इतने इतने प्यारे कपड़े थे ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी, आप लोगों ने कोशिश करनी है सामान जो उनसे है ना वो आपका अपना कम हो, और अगर आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनके लिए आपने कुछ ले कर जाना है या उनको कुछ देना है जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा हों, क्योंकि आप तो फिर आके वापस ले लेंगे ना। इसलिए सबके लिए गिफ्ट्स लें, चाहे छोटे छोटे गिफ्ट्स लें, चाहे बड़े बड़े, जितनी आपकी रेंज हो या जितना सामान आप साथ लेके जा सकते हैं उस हिसाब से आप लें। और कोशिश करें ऐसी चीज़ें लें जिनका वेट कम हो, क्योंकि जब वहाँ पे वेट होता है ना तो अक्सर वेट ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह जब हम आए थे हमारे पास बहुत ज़्यादा वेट था और हमें अच्छी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा था, इसलिए जितना वेट आपकी टिकट के ऊपर मेंशन होता है वो एक दफ़ा पढ़ लें, जितना वेट हो अलाउ हो उतना ही कोशिश करें, बल्कि उससे 5 to 10 kg कम ही हो तो बेहतर रहता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं ना ड्राई ड्राई चीज़ें लूँ, लिक्विड भी लेके जाना बहुत मसला हो जाता है। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं जो चीज़ देखती हूँ ना मैं कहती हूँ ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन यहाँ पे ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप वही चीज़ें लें जो दूसरी कंट्री में नहीं है या कुछ यूनिक हो, मतलब इस तरह के ब्रांड जो यूनिक ब्रांड हो या इस तरह की चीज़ें जो किसी के काम आए, इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैं भी यही कोशिश कर रही थी कि मैं इस तरह की चीज़ें लूँ कि सब खुश हों और सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लूँ, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लूँ। अपने लिए भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले लीं, बहुत ज़्यादा अपना सामान नहीं लिया हम लोगों ने, सिर्फ अपने लिए समझ लें, हमारा ना बिल्कुल छोटू सा एक बैग है, बाकी जो हमारे सारे बैग हैं ना जो फिल होने हैं इंशाल्लाह वही हैं जो गिफ्ट्स हैं जो दूसरों के लिए ले रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने का मेरा मकसद क्या है और मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर आपको पता चल गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोगों को आइडिया हुआ या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा, कुछ तो लोग इतने अच्छे होते हैं ना, वो खुद ही बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये ले लें, या हमारे लिए जब आपने आना है हमारे लिए ये चीज़ लाजमी लेके आनी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको खुद ही सोचना पड़ता है कि आपने क्या लेना है और
क्या की चीज़ किसको ज़रूरत हो सकती है या क्या चीज़ किसके लिए अच्छी लगेगी, सूटेबल होगी। बस मेरे लिए, मेरे साथ भी इस तरह ही हो रहा था। कुछ चीज़ें मैं ले चुकी थी, कुछ अभी ले रही थी, घूम फिर के सारा देख रही थी। और अपने लिए मैंने एयरपोर्ट के लिए कंफर्टेबल जूता लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई अच्छे जूते अच्छे शूज़ नहीं मिले। फिर आ गई मैं परफ्यूम सेक्शन में। आप किसी भी कंट्री से जा रहे हो, परफ्यूम तो मस्ट है ना। फिर परफ्यूम्स लिए, चॉकलेट्स ली, ड्राई फ्रूट लिया। ड्राई फ्रूट में मुझे भी और बाकी सबको भी काजू बहुत पसंद हैं, तो मैंने सारे फ्लेवर्स के ना काजू ले लिए, जिसमें सॉल्टी थे, रोस्टेड, ये जो उनसे बिरयानी फ्लेवर, चटपटा फ्लेवर, खट्टा फ्लेवर, मीठा फ्लेवर, जितने फ्लेवर थे ना, यकीन करें मैंने सारे काजू ले लिए। अब हमें ये बहुत मसला है कि हमारे बैग कितने बनेंगे। कोशिश हमने ये की थी कि इस बार हमारे पास सिर्फ एक बैग हो, क्योंकि पिछली दफ़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान था और एयरपोर्ट पे आप लोगों को पता है कितना मसला हो जाता है जब अगर सामान ज़्यादा हो। तो कोशिश तो हमारी यही थी, लेकिन ये नाकाम तरीन कोशिश थी, क्योंकि अभी तक समझ लें हम एक बैग फुल कर चुके थे और बाकी सामान अभी आपके सामने ही है जो हम शॉपिंग कर रहे हैं। खैर, अपनों को खुश करने के लिए इतना तो करना पड़ता है। अब हम कब से आए हुए हैं और रेगुलर दो मॉल हम लोगों ने फिर लिए हैं और इतना सामान इकट्ठा कर लिया है ना लेके जाने के लिए। लेकिन यही तो अपनाइयत होती है कि आप किसी के लिए या अपने किसी के लिए या फ्रेंड्स के लिए इतना कुछ करते हो, और चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों को बहुत खुशी देती है। खैर, फिर हम लोगों ने पी वहीं से बाहर से चाय। ये भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं तो कहती हूँ इसका चाय का हिसाब तो नशे वाला है। ये जब तक पी ना लो, आपका आपकी थकन ही नहीं ख़त्म होती। और जितना हम थक चुके थे ना, मुझे तो कम से कम दो कप चाहिए थे। खैर, चाय शाय पी, उसके बाद घर आके काफ़ी देर हम लोग आपस में बातें वगैरह करते रहे। बाजी लोग हमें ऑलरेडी मिस करना शुरू कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सामान शामान अपना पैक किया और ये सब कुछ करने करने में रात के देख लें 2:30 हो गए हैं। ये सारा काम हम लोगों ने किया। फिर हमें दोबारा से भूख लगी, हम लोगों ने ऑर्डर किया चारकोल। हम लोगों ने कहा चलो जाते जाते चारकोल भी खा जाएं। चारकोल देखते देखते जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अच्छा, आपने सफ़र कहीं भी करना हो, कहीं जाना हो या आना हो, पता नहीं क्यों अजीब सी टेंशन हो जाती है। और मुझे तो सामान पैक करना, संभालना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। पहले हम अपने घर से बाजी की तरफ आए, सारा सामान वहाँ पे हम लोगों ने वाइंड अप किया। जाहिर है वो घर रेंटेड था, वो छोड़ना था, वो मंथ के लिए लिया था, वो छोड़ा। वहाँ से सारा सामान हम लोगों ने बाजी के घर शिफ्ट किया। फिर जो सामान अब हमने साथ लेके जाना है वो अलग किया। और इस सब में बस समझें थक थक के हमारा कुछ नहीं रहा। आप लोगों का अगर गेस्ट ठीक हुआ ना, जिसने जल्दी बता दिया और जिसका गेस्ट सबसे ठीक हुआ, उसका मैं कमेंट पिन करूँगी, ठीक है। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बताएं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने की इतनी शदीद किस्म की तैयारी कर रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। और अगर आप जाएं कहीं तो आप क्या लेकर जाते हैं अपनों के लिए, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। खाना वगैरह खाते खाते हम लोगों को तकरीबन 3:30 हो गए थे। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी, बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा है। अच्छा, कल मुझसे किसी बंदे ने पूछा था कि बंदी ने पूछा था कि ये जो दुआ आपने शेयर की है ये कितनी दफ़ा पढ़नी है। तो देखें, जितनी दफ़ा आपका दिल करे पढ़ ले, इसके लिए कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितनी दफ़ा पढ़नी है। बस जब आप परेशान हो ना, आपने एक दफ़ा ये दुआ ज़रूर पढ़नी है। दिल से पढ़ें, जितनी देर तक आप परेशान हैं ना आप पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, जितनी दफ़ा आपको ईजी लगता है पढ़ें। लेकिन इस दुआ को पढ़ने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा ना, सीरियसली बहुत सुकून मिलेगा, मुझे मिलता है, आपको भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा कासवी व्लॉग्स।